बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के लिए चुनौतियां खड़ी होती जा रही हैं। हाल में खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने पार्टी से इस्तीफा दिया और अब पार्टी विधायक वैशाली डालमिया ने भ्रष्टाचार पर ममता बनर्जी की पोल खोल कर रख दी है। उन्होंने तीखे तेवर अपनाते हुए बताया है कि किस तरह से टीएमसी को भ्रष्टाचार का दीमक खा रहा है और ममता सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी की पार्टी के बिखरने का सिलसिला लगातार जारी है। टीएमसी में नाराज नेताओं की कतार लंबी होती जा रही है। चुनाव से पहले पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और कई नेताओं के शामिल होने के आसार नजर आ रहे हैं। बीते दिन खेल मंत्री लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अब पार्टी विधायक वैशाली डालमिया ने मोर्चा खोल दिया है। वैशाली डालमिया ने तो भ्रष्टाचार को लेकर ममता बनर्जी की पोल खोल कर रख दी। वैशाली का कहना है कि भ्रष्टाचार के कारण टीएमसी को नुकसान हो रहा है, जमीन पर भ्रष्टाचार पार्टी को दीमक की तरह खत्म कर रहा है। वैशाली डालमिया हावड़ा के बाली इलाके से विधायक हैं। अपने इलाके में भ्रष्टाचार का खुलासा करते हुए टीएमसी विधायक ने कहा है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में काफी भ्रष्टाचार है। 3 साल से इस बात की शिकायत राज्य सरकार से की जा रही है। इलाके की सड़कों की हालत भी खराब हो चुकी है। भ्रष्टाचार पर मैं अपनी राय ममता बनर्जी को भी बता चुकी हूँ, फिर भी इसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। लक्ष्मी रतन भी इन्हीं सब वजहों के कारण पार्टी में काम नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ घर, सड़क या किसी और काम के लिए कमीशन दिए बिना काम नहीं होता है। उन्होंने प्रशांत किशोर के कामकाज पर भी सवाल खड़े किए और बताया कि वो भ्रष्ट लोगों को पार्टी में महत्वपूर्ण पद देते हैं। इसी वजह से पार्टी के कई नेता प्रशांत किशोर की मौजूदगी से नाराज हैं। अब इसी नाराजगी के चलते पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और टीएमसी से बेहतर विकल्प चाहते हैं, जहां उन्हें नजरअंदाज न किया जाए। और यही वजह है कि टीएमसी के ज्यादातर बागी नेता बीजेपी में शामिल होते चले जा रहे हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी का दामन छोड़ा, उसके बाद अन्य कई विधायकों और नेताओं ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में बीजेपी और टीएमसी के बीच की जंग बढ़ती जा रही है। अब बीते दिनों टीएमसी को जिस तरह से बड़े झटके लगे हैं, उससे ममता बनर्जी को बंगाल में उनकी पार्टी का वजूद खत्म होता नजर आ रहा है। वैशाली डालमिया के मुताबिक वो कई बार राज्य सरकार के सामने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा चुकी हैं। हालांकि टीएमसी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात पहले भी पार्टी के कई नेता कह चुके हैं, फिर भी ममता सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। अब चुनाव से पहले टीएमसी के ही नेताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कई नेताओं ने इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे अब ममता बनर्जी को चुनाव में हार का डर तो सताने लगा ही है, साथ ही बंगाल से उनकी पार्टी का वजूद खत्म होने का भी समय शुरू हो गया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।